पढ़ने वाले हैं रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन। रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन को पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा मशीन लर्निंग क्या। तो मशीन लर्निंग को आर्थर सैमुअल ने 1959 में डेवलप किया था। और मशीन लर्निंग का काम होता है कि डेटा को प्रिडिक्ट करना कि आज पानी गिरेगा कि कल पानी नहीं गिरेगा, साथ में खुद को इम्प्रूव करना टाइम के साथ बेस ऑन ऑल डेटा। फिर मशीन लर्निंग के टाइप्स पढ़े थे जिसमें सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज, री इन्फोर्समेंट मशीन लर्निंग। यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। फिर सुपरवाइज के अंदर दो टाइप्स होते हैं, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन इज फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो फिर रिग्रेशन के टाइप्स पढ़े थे जिसमें पहला तो पढ़ाया था लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, पॉलोमियर रिग्रेशन। पॉलोमियर के बाद आया था सपोर्ट वेक्टर, और सपोर्ट वेक्टर के बाद हम पढ़ रहे हैं डिस्कशन ट्री रिग्रेशन, एंड लास्ट है रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन। तो एक ट्री बन रहा था, इस टाइप से हम स्टडी कर रहे थे। तो आज हम पढ़ते हैं रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन है क्या। तो ये पावरफुल सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम है। हमने पढ़ा है ना मशीन लर्निंग के चार टाइप्स है, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, सेमी एंड रीइंफोर्समेंट। सुपरवाइज के अंदर रिग्रेशन आता है, रिग्रेशन के अंदर रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन आता है। तो ये पावरफुल है, सुपरवाइज लर्निंग का एक टाइप्स है जो बूस्टअप टेक्निक का उपयोग कर रहा होता है। और इसमें क्या कर रहा है, कंबाइन कर होते हैं मल्टीपल डिस्कशन ट्री को। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल तो समझते ज्यादा थे, जैसे कोई प्रॉब्लम है अपनी, ठीक है, उसको सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया, 1, 2, 3, 4 थ्री ट्री में डिवाइड कर दिए, 3 से 4 ट्री में। अब इस ट्री में क्या करेंगे, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और प्रिडिक्शन करेंगे हमारा आंसर 1 सही है, ठीक है। फिर दूसरी प्रॉब्लम थी, एक प्रॉब्लम को चार भाग में बांटे, दूसरी प्रॉब्लम का आंसर लाएंगे, प्रिडिक्शन करेंगे हाँ ये प्रॉब्लम मेरी सही है। फिर ऐसे सभी प्रॉब्लम को प्रिडिक्शन करेंगे, फिर लास्ट में आखिरी प्रॉब्लम आ जाएगी, उसको प्रिडिक्ट करेंगे, अब मेरी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ये है। अब सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को जो प्रिडिक्ट किया कि सही है कि नहीं है, अब इनको कंबाइन कर लेंगे तो ऑल एवरेज प्रिडिक्शन हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया। और इसी प्रिडिक्शन को ही रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन कहते हैं। यानी कोई प्रॉब्लम है उसको सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर देना 4 से 5 पार्ट में, फिर वो सारे का सॉल्यूशन निकालना, वो सारे सॉल्यूशन को कंबाइन कर देना रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन कहलाता है, या प्रिडिक्शन कहलाता है। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस क्या क्या, यानी इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो बैंकिंग में करते हैं, मेडिकल साइंस में करते हैं। आपको कोई एरिया चॉइस करना है, ठीक है, कोई एरिया में आप रहना चाहते हैं, उसके लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। मार्केटिंग में इसका उपयोग करते हैं। एडवांटेज क्या क्या है, यह क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टास्क को परफॉर्म करता है, यह हैंडल करता है लार्ज डेटा सेट को, इसमें एक्यूरेसी मॉडल है, ये इसमें रिजल्ट काफ़ी एक्यूरेट मिलता है। लेकिन ये नॉट सुटेबल होता है, किसके लिए सुटेबल नहीं होता, रिग्रेशन टास्क के लिए, रिग्रेशन टास्क के लिए सुटेबल नहीं है। अब शॉर्ट रीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने इसमें पढ़ा था रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन क्या है। रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन पावरफुल सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम है, ठीक है, और इसमें हम कंबाइन कर रहे होते हैं मल्टीपल डिस्कशन ट्री को। इसमें एक टास्क होता है जिसको सब टास्क में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, फिर उस टास्क का जो सब टास्क है उसको प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं इस स्टेज में, उस प्रिडिक्शन को फिर कंबाइन कर लेते हैं एक, वही अपना बन जाते हैं रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन बन गया था। एप्लीकेशन पढ़े थे बैंकिंग में यूज होता है, मेडिकल साइंस में, लैंड यूजेस में, एंड मार्केटिंग में। एप्लीकेशन एडवांटेज क्या क्या थे, क्लासीफाई एंड रिग्रेशन टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है, हैंडल कर रहा होता है बड़े डेटा सेट को, एक्यूरेसी मॉडल है ये। डिजिटल एडवांटेज क्या है, ये रिग्रेशन टास्क के लिए सुटेबल नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें